हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी थी 2018 के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार फिर से जो है कट ऑफ को डिक्रीज कर दिया गया है। आठवीं बार कट ऑफ को डिक्रीज कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे पर्सनल का जो है कि ये वहाँ से नोटिफिकेशन आया है मुंबई की तरफ से, और ये वहाँ उनका नोटिस है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 8th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 36 नॉन PWD कैंडिडेट UR OBC SC ST विल बी हेल्ड ऑन 7th जुलाई 2021 एट RRC ऑफिस ग्रैंड रोड मुंबई। कैंडिडेट में रिफर टू कट ऑफ मार्क्स अपलोडेड सेपरेटली ऑन वेबसाइट टू नो देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर DV सेकेंड OBC इन OBC मेरिट विद सेम कट ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट इन ST मेरिट विद सेम कट ऑफ मार्क्स बट लोअर इन एज आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस DV। यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो 8th स्टेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 8वीं बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, वो UR के अंदर 18, OBC के अंदर 10 और SC के अंदर 7 और ST के अंदर 1 है, जो कि इनके जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। और इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर दी गई है पहले के मुकाबले। कॉल लेटर टू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली ऑन RCC। इसके कॉल लेटर जो हैं वो आ चुके हैं। मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसके कॉल लेटर जो हैं वो किस तरीके से आप देख सकते हैं और किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 3-4 दिन में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। यानी कि जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो भी चेंज हो सकता है कि आपका कहाँ पर होगा। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट रह गए हैं उनकी जो नोटिफिकेशन, जो नोटिस के थ्रू बताया गया है कि जो कैंडिडेट नहीं हो पाए उनकी कट ऑफ को 8वीं बार रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितना रिड्यूस किया गया है। तो चलिए उस नोटिस की तरफ। ये कट ऑफ जो रिड्यूस हुई है उसका नोटिस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये नोटिस भी जो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ही आया है, और इसको आप देख सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके 8 times जो है कट ऑफ रिड्यूस कर दी गई है। UR के लिए मेरिट अगर हम देखें तो 76.9 से स्टार्ट होते होते अब जो UR की कट ऑफ है वो 73.4 पर है 8th स्टेज के अंदर। वहीं अगर OBC की देखें तो 73.16 से लेकर आपकी 8th स्टेज में 72.75 स्टेज है, और इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। और SC की अगर मैं बात करता हूँ तो 66 से स्टार्ट हुई थी और अब 8th स्टेज में 65.07 है, यानी कि एक नंबर रिड्यूस कर दिया गया है। ST की अगर मैं बात करता हूँ तो 64 से लेकर अब जो 8th स्टेज में वो 64.9919 है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ PW कैंडिडेट के लिए तो LD जो थे लो मोटर्स डिसेबिलिटी थे जो 71.040 से स्टार्ट हुई थी, और इनके जो 3 stage के अंदर ही है जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं ये कट ऑफ को रिड्यूस कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका हुआ है तो उसका इंटरफेस कैसा। अगर आप वेटिंग लिस्ट में थे और आपका 8 panel के अंदर नंबर आ चुका है तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। उसके अंदर आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है अपनी, और आपको पता चल जाएगा कि आपको इसके अंदर पैनल मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।